आज पेप्सी एमटीवी व्हाट्सएप पर विनीत लर्न्स टू शूट सम हुप्स एंड वॉच यंगस्तान टर्न टू बॉलीवुड टू बीट स्ट्रेस। व्हाट्सएप, वेलकम टू पेप्सी एमटीवी व्हाट्सएप, द वॉइस ऑफ यंगस्तान। यार तुम लोगों ने देखा तो होगा, सुना तो होगा कि श्रीलंकन क्रिकेटर्स पर कैसा हमला हुआ है। माय गुडनेस, कौन सोच सकता था कि स्पोर्ट्स पर भी इतना हमला हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग, टेररिज्म कहीं नहीं रुक रही यार। वेरी बैड, उसको छोड़ो यार, इट इज अफेक्टिंग इंटरनेशनल क्रिकेट सर्किट मैन। सीरियसली कौन नहीं बचेगा। तो आई हैव अ क्वेश्चन कि हमारे क्रिकेट जो बोर्ड है ना, उनको क्या क्या मैसेज देने चाहिए ताकि हमारे क्रिकेटर्स, हमारे स्पोर्ट्समैन सेफ रहें। जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनको ए ग्रेड वेपन्स देना चाहिए। जो व्हीकल्स में वो लोग ट्रैवल करते हैं वो बुलेट प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्रिकेटर्स भी इक्वली पॉपुलर है पॉलिटिशियंस और यू नो सेलिब्रिटीज के लिए की तरह। तो ऑफ कोर्स ये सब मैसेज बहुत अच्छे हैं। आई एग्री विद व्हाट यू सेइंग, बट टिल देन गो चेक आउट द बिग डोप। यंगस्तान, यंगस्तान कहां है, यंगस्तान कहां गए सबके सब? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, एग्जाम सीजन इज ऑन, तो फिर सबकी लग चुकी है। टेंशन मत लो, डिस्ट्रेस करने के लिए बॉलीवुड हमें रेस्क्यू करने आ चुका है। चार मूवीज इस सीजन रिलीज हो रही हैं, 13 भी स्ट्रेट गुलाल ना देखे जरा। लेट्स फाइंड आउट इन चारों में से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस करती है यंगस्तान को। आप एग्जाम्स में अपने को डिस्ट्रेस करने के लिए क्या करने वाले हो? आई प्रोबेबली गो फॉर अ मूवी। कौन सी मूवी देखने जाओगे? आ देखे जरा। व्हाई आ देखे जरा? बिकॉज़ आई वांट टू नो उसमें प्रियंका उसमें बिपाशा बसु है यार। इतना स्ट्रेस है इनमें कि वो भूल चुकी है कि प्रियंका चोपड़ा की बिपाशा बसु है। व्हाई इट्स मिप्स, ट्रेलर से ऐसी लग रही है इंटरेस्टिंग रहेगी, एंटरटेनिंग रहेगी। पाश्चात्य वास्तु में तुम्हें पर्सनल बात पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? हाँ, यू विल कट इट? ऑफ कोर्स वी विल। अब हाँ देखे जरा, इट्स अबाउट अ स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर। और यंगस्तान के जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एग्जाम्स के साथ, गो चेक आउट आ देखे जरा एंड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द हॉटनेस ऑफ पिप्स एंड फिरंगी नील मुकेश। कौन सी मूवी आप देखना पसंद करोगे? 13 Reasons Why? आई थिंक सो इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग, न्यू टॉपिक। एग्जाम्स में तुम्हें सब्जेक्ट से डर नहीं लगता अपने? तुम हॉरर मूवी देख रहे हो? नॉर्मली एग्जाम्स तो हॉरर मूवीज की तरह ही है, ये डराना ज्यादा अच्छा है एग्जाम्स से। तो 13B एक फैमिली 13 फ्लोर पर रहने जाती है। उनके साथ वो इंसिडेंट्स होने लगते हैं जो एक टीवी सीरियल में होते हैं रियल लाइफ में। Isn't that scary? Our take is, there are more things to scare you in life than your subjects. Exam time, stress ka time, apne ko de-stress karne ke liye kya karne wali hain? Maybe I'll watch some movies. Which movie? Gulal. Gulal? Why Gulal? The movie is good, it's going to give you some lessons about politics. The politics that happens in college life and everything. Okay, but do you think it's a right way to de-stress yourself? According to me, a politics is the best game to play ever. I think you should play politics with the teachers, yeah. Kya pata exams mein zyada number aa jaye. Yeah, I do that, you know, muska buttering, I do it in the end of the year. Gulal, it's not about Holi, it's about youth politics. Anurag Kashyap ki much awaited movie after Dev D. Our take is, what do you think? You go through headaches, check what these students go through. सीजन एग्जाम सीजन में चार मूवीज रिलीज हो रही हैं, स्ट्रेट, 13B, गुलाल एंड आ देखे जरा। इनमें से कौन सी आप मूवी देखेंगे डिस्ट्रेस होने के लिए? स्ट्रेट देखूंगा। वो क्यों? क्योंकि मैं खुद भी स्ट्रेट हूँ और मुझे लग रहा है अच्छा रहेगा स्ट्रेट मूवी। जैसे वो विनय पाठक है उसमें गे जैसा भी कुछ बताया, तो कुछ नया कॉन्सेप्ट रहेगा, तो देखते हैं क्या रहेगा उस मूवी में। Let me tell you, I never sleep with a man on the first date. बस बहुत हो गया। स्ट्रेट, इट्स अ मूवी अबाउट पीनू पटेल, एक रेस्टोरेंटर है, 39 year old है, कंफ्यूज है और वर्जन है, अभी तक कंफ्यूज है कि वो गे है या स्ट्रेट है। Our take is, laugh over the confusions of विनय पाठक and not your questions in exam. All right, have you guys heard that Frida Pinto might become the face of a very very big cosmetic giant? Yeah, it just goes to show कि 15 मिनट अगर आप टीवी पर आओगे तो क्या क्या हो सकता है। और मैं कितनी देर पर टीवी आती हूँ यार, टाइम करके देख लो, right now more than 15 minutes. आप मुझे बताइए, what do you think 15 minutes of fame क्या क्या कर सकता है यार? I don't think it's worth. I mean she never got a good role firstly. And first of all, she doesn't even look good and she doesn't even act well. Jai ho to that, jai ho. Alright, you guys go check out the next segment. I'm going to talk to them about this for a little while. As you can see, I'm lying on a basketball. वो इसलिए क्योंकि मुझे basketball खेलना तो आता नहीं है, लेटना जरूर आता है। यहाँ पे आया हुआ हूँ at the biggest basketball tournament in the entire country.
organized by Hoops. Hoops कौन है? Hoops, Hoops. अरे ओरा Hoop. What's Hoops, man? Hoops, Hoops India. We're promoting basketball through the culture. We're showing the, you know, what maza hai basketball mein. So we're trying to show it through video, through camera, through audio projects. So how many hours do you practice every day, man? 1 to 2 hours. 2 ghanta. So how many balls do you have? It's 5. 5 ball. How is it possible, man? That is a top secret question. But right now I have 1. दो विनर स्लैम डंक कंपटीशन के विपिन और एडी मेरे साथ है, पर ये एक्चुअल विनर है कि नहीं अभी मैं डिसाइड करूंगा. इनको कुछ बास्केटबॉल स्किल्स दिखाना पड़ेगा. आपको हम MTV की तरफ से न्यूयॉर्क भेज रहे हैं टू रिप्रेजेंट इंडिया. हाउ यू फीलिंग मैन? अमेजिंग. एक मिनट. अच्छा न्यूयॉर्क नहीं भेजना है. ओके ओके सॉरी, एक्चुअली न्यूयॉर्क का फ्लाइट कैंसिल हो गया. बट वी गॉट अ बॉल फॉर यू. हियर्स अ स्पेशल बॉल फ्रॉम MTV. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स अ लॉट. यू कैन कीप दिस. एक मिनट, एक अनदर फोन कॉल. हेलो. क्या बॉल भी नहीं? सॉरी मैन. बॉल दे दे. बॉल बहुत पैसा लगा है इसके लिए. स्लैम डंक करना इतना आसान नहीं है, पर मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है. क्या करो? अरे बचाओ बचाओ बचाओ. अरे बचाओ बचाओ. क्या करो? Look, around that corner, elections are coming. No, I'm just kidding. Not that corner also. But calendar पर कहीं ना कहीं कोने पर elections are coming. तो हम यंगस्टान से पूछे, what kind of problems? कैसे मुसीबतें आप face करते हो जब आप vote करना चाहते हैं? Whenever we go and vote, there's no proper guidance, nothing at all. People to serve us are wrong. They don't give proper actions and instructions and all. Okay, and you sir? We don't know whom to vote. पार्टी के बारे में कुछ नहीं मालूम. मतलब पार्टी कैसी है उसके बारे में कुछ नहीं पता. राइट. एंड यू? नो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेंटर्स, वोटिंग सेंटर्स, नो गाइडेंस, नथिंग. दैट्स इट. वी जस्ट नो वी हैव टू वोट, बट वेयर वी डोंट नो. ऑलराइट. वेल, अगर आपके पास इतने सारे सवाल है जिसके कोई जवाब नहीं कोई दे रहा आपको, नॉट इवन मी, जस्ट लॉग ऑन टू jagorate.com एंड ऑल योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड. तो गो रजिस्टर. गो. ओह वेट, चेक आउट पेप्सी एमटी व्हाट्सएप फुल ऑफ द डे. March 8th is International Women's Day. This day we celebrate the women in our lives. So we ask you, are you doing something special for the women in your life on Women's Day? SMS Haryana to 56882 and let us know the voice of Youngistan. Kal humne aapse pucha tha, do you think that holding the IPL is a safe bet? 38% ne kaha ha. Attacks can happen anytime and any place and one should not cancel events out of fear. Life has to move on. 62% ne kaha na. Unless the security is in place, IPL mein khelna is very risky. It's email time. Although there is no computer, tabhi live mail hai na ya. Aap logo, acha aap mujhe bataiye kaise stress aapki zindagi mein aap are undergoing? What kind of stress? Mostly it's exam stress and submission sets, practicals, attending lectures. It's totally stressed out, like 8 to 5 college. And you? I think attendance is like the main problem. Jahan pe koi classroom mein ventilation nahi hota, 12 ghante baithna, practicals, projects, like 8, you know, like stressed out totally. More of the hype that surrounds the exams, you know, peer pressure, social pressure, parents and all of that, it's kind of, you know, getting to me now. It's gotten to me also, don't worry. Thank you so much. I'm feeling more stressed out now. But don't worry, agar aap inki tarah bahut hi stressed out hai, you and your friend, a date perhaps, can win 2 free tickets. How? I'll tell you. Just enter the Splitsvilla movie date contest at PVR. All you have to do is SMS Splits to 56882. That is split, huh? Not splits. Split. I made that mistake. I didn't win any tickets. But anyway, dude, that was live email. Please keep sending us more emails at whatsapp@mtvnet.com. And wait, there is a Women's Day special on the 8th of March, which is Sunday. Please watch it, man. It'll make me happy.